chimicam.com देखिए रोजाना लाइव कोलकाता पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है chimicam.com में। तो चलिए जानते हैं इसकी मजेदार रेसिपी। बीन्स, गाजर, कैप्सिकम, टमाटर, मिर्ची, धनिया पत्ता, बॉइल्ड मटर, वेजीज को फ्राई करने के लिए हमने मीठा तेल यानी कि रिफाइंड तेल, मसाला मैजिक, सोया सॉस, विनेगर, धनिया पत्ता का चटनी, चिली सॉस और थोड़े ड्राई फ्रूट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमने लिया है एक कटोरा चावल जिसको आधा घंटा के लिए हमने पानी में भिगाने रख दिया था। यहाँ हो रहे हमारे पानी बॉयल इस चावल को डालने के लिए। अच्छा, और इसमें डालेंगे हम इलायची, लौंग जिससे कि उसका स्मेल बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी नमक, अब हम इसमें डाल देंगे और कितना टाइम लगेगा इसको पकने में? इसको करीबन 10 मिनट लगेगा, हमें पूरी तरीके से नहीं पकाना है। जब तक हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं तब तक हम अपने वेजीज फ्राई कर लेंगे। वेजीज में हमने लिया है बीन्स, गाजर, कैप्सिकम, टमाटर, मिर्ची, धनिया पत्ता, बॉइल्ड मटर, चम्मच, पहले हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। हमें इसको ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस लाइट ब्राउन करना है। बॉइल मटर, इसे हमें लो फ्लेम पे पकाना है। इसको बस 5 से 6 मिनट पकाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है? हमें फ्लेम स्लो ही रखना है। मैगी मैजिक मसाला, इसको मिक्स
कर रही हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से घी, इससे बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं। देसी घी कितने चम्मच, धनिया पत्ता की चटनी की थोड़ी सी तीखी है, ऐसे टेस्ट भी अच्छा है। हमने मिर्ची डाला है पहले, तो हम हिसाब से डाले हैं, तो मिक्स कर देंगे। हम इसमें डाल देंगे प्याज, राइस डाल देंगे। स्मेल तो अभी से ही बहुत अच्छी आ रही है। इसको हम लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करेंगे, मुझे ये चिपक जाएगा। स्मेल तो अभी से ही बहुत अच्छी आ रही है। दिखने में तो काफी यमी लग रहा है, खाने में तो और भी यमी होता है ना। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। कहाँ से सीखी आप ये बनाना? ये मुझे मेरी मम्मी ने सिखाई थी। इसमें हमने ऐड कर दिया सोया सॉस, सोया सॉस कितने चम्मच, एक चम्मच विनेगर भी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दिखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही है। स्मेल भी काफी अच्छा आ रहा है, बस ये जल्दी से रेडी हो जाए। अच्छा,
हमारी मसाला राइस फ्राई बन